जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट और मेरा नाम है अरुण। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 6 faults ऑफ मैन या इंसान के 6 दोषों के बारे में। अगर हम अपने इन 6 दोषों या फॉल्ट्स को कंट्रोल कर लें तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आप भी जब इनको अपनी लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी मैक्सिमम पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का कारण यह 6 faults ही हैं। इन पर जीत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक एक करके इनसे लड़कर इन पर जीत पा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब हमारी ईगो या हमारी अपने आप की कॉन्शियसनेस मटेरियल फोर्सेस के साथ जुड़ जाती है तो हमारे अंदर 6 faults आ जाते हैं। ये फॉल्ट्स हैं, पहला काम या लस्ट, दूसरा क्रोध या एंगर, तीसरा लोभ या ग्रीड, चौथा मोह या अटैचमेंट, पांचवा मद या प्राइड, छठा मत्सर्य या एनबी। यह दोष ऐसे होते हैं कि यह हमारे इनर पीस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे आउटर रॉन्ग एक्शंस को भी ड्राइव करते हैं। यह सिर्फ हमारे दोष ही नहीं बल्कि हमारी वीकनेस या कमज़ोरी भी हैं, क्योंकि ये ईगो से ही बनते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी कमज़ोरियों और दोषों का कारण हमारी ईगो ही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं काम या लस्ट की। ईगो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बहाने से इंसान को हर समय अपने आप को सेटिस्फाई करने की ओर खींचती रहती है, जो सफरिंग और चिंता का कारण बनता है। काम सेंसरी टेम्पटेशंस या संवेदी लालचों में लीन होने की स्ट्रॉन्ग इच्छा है। काम इतना शक्तिशाली है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि इसके इन्फ्लुएंस में समझदार और महान लोग भी अपना आपा खोकर जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। किन्हीं भी सेंसेस का अपनी मौज या प्लेजर के लिए ओवरयूज करना काम है। आंखों से आदमी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ कामुक होता है, कानों से ऐसे संगीत की तरफ भी जो उसकी मटेरियल नेचर को अराउज करें, नाक से ऐसी जगहों की तरफ जहां गलत माहौल या एक्शंस हों, टंग से ऐसे खाने पीने की तरफ जो बहुत रिच या स्पाइसी हो, और टच से बहुत ज़्यादा फिजिकल कंफर्ट्स या सेक्सुअल एक्शंस की तरफ भी। काम से आदमी की खुशियों, हेल्थ, सोचने की शक्ति, मेमोरी, क्लैरिटी ऑफ थॉट और राइट डिसीजन लेने की शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा है क्रोध। गुरुजी कहते हैं कि जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध या गुस्सा बन जाती है। इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, गुस्सा इंसान को एक भ्रम में लपेट देता है जो उसको सही बर्ताव करने से रोकता है और सोच समझकर डिसीजन लेने की शक्ति को कम करता है। इस वजह से गुस्से में इंसान राइट बिहेवियर नहीं कर पाता। गुस्सा कई तरह से शांति भंग करने वाले और सेहत खराब करने वाले बिहेवियर को बढ़ाता है, जैसे कि इम्पेशेंस, चिड़चिड़ापन, झगड़ना और जेलसी। गुरुजी कहते हैं कि अगर गुस्से का कारण सही भी हो तो भी शांति और सोच विचार कर काम करने की जगह गुस्से को नहीं लेनी चाहिए। आप जब भी अपने बारे में सोचें तो देखें कि यह दोष आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली एंगर आजकल बहुत कॉमन हो गया है और हमारे रिलेशनशिप्स पर बहुत बुरा असर डालता है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे बचे हुए 4 दोषों की। अंटिल देन, जय गुरु।